लालू युग के जंगलराज में बिहार के सिवान का साहब बना। शहाबुद्दीन कोई छोटा मोटा दरिंदा नहीं है। बिहार के सिवान ही नहीं बल्कि देश के सबसे चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन फिलहाल तिहार में उम्र कैद की सजा काट रहा है। शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे उम्र भर कैद करवाने वाले डर और कुछ भी अनहोनी की आशंका के बीच अत्याचार के विरुद्ध जंग लड़ने वाले साधारण व्यवसायी चंदा बाबू अंततः अपने जीवन की जंग बुधवार को देर शाम हार गए। बावजूद इसके वे अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो ये बयां करती है कि अदम्य साहस हो तो हर दर्द का इलाज संभव है। सिवान के इतिहास में चंदा बाबू का नाम एक ऐसे पिता के रूप में लिखा गया जिसने अपने बेटे के हत्यारे सांसद को जिंदगी भर सलाखों के पीछे कैद करवा दिया। सिवान, शहाबुद्दीन और चंदा बाबू की कहानी अगर जाननी हो तो आपको आज से 16 साल पहले वर्ष 2004 में जाना होगा। तब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और शहाबुद्दीन सिवान का सांसद था। सिवान शहर के गौशाला रोड स्थित एक साधारण व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद और चंदा बाबू के घर खुशहाली का माहौल वर्ष 2004 के स्वतंत्रता दिवस के पूर्व तक सामान्य था। दो भाई में छोटे भाई चंदा बाबू सिवान में रहकर अपने व्यवसाय संभालते थे जबकि एक भाई पटना में अधिकारी थे। चंदा बाबू का एक भरा पूरा परिवार था। पढ़ी लिखी पत्नी और चार बच्चे थे। तीन बच्चे अलग अलग दुकानों पर व्यवसाय संभाल रहे थे जबकि एक बच्चा दिव्यांग होने की वजह से उन दोनों के साथ रहता था। वर्ष 2004 में स्थिति तब बिगड़ी जब चंदा बाबू ने गौशाला रोड स्थित अपनी पुरानी आवास को नया रूप देना शुरू किया और उसमें एक छोटी सी कोठरी पर अनाधिकृत रूप से एक व्यक्ति ने गुमटी रखकर अपना दुकान चलाना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में तो वह गुमटी एक दिखावे की थी लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होने को था उस दुकानदार ने उस दुकान पर अपना कब्जा बनाना चाहा। इसके पीछे की साजिश जेल में बैठकर शहाबुद्दीन कर रहा था। शहाबुद्दीन ने इस एवज में 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इसी को लेकर पंचायती आरंभ हुई और 16 अगस्त 2004 को कुछ बाहरी तत्वों के दबाव बनाने पर चंदकेश्वर बाबू उर्फ चंदा बाबू के परिवार और बाहरी आगंतुकों के बीच झड़प हो गई। जान बचाने के उद्देश्य से चंदा बाबू के परिवार वालों ने कारोबार के उद्देश्य से रखे गए तेजाब को फेंक कर अपनी जान बचाई जिसमें बाहरी तत्वों के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिणाम स्वरूप प्रतिरोध के रूप में चंदा बाबू के 2 बेटों का शहर के विभिन्न विभिन्न दुकानों से अपहरण कर लिया गया। मां कलावती देवी ने अपने 2 बेटों के अपहरण को लेकर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात भी दोनों बच्चे प्राप्त नहीं हुए और अपहरण को लेकर मामला न्यायालय में स्थानांतरित हो गया। चंदा बाबू पर कई प्रकार का दबाव बनाया गया था कि मुकदमों को उठा लिया जाए लेकिन चंदा बाबू का साहस ही था कि मामला तेजाब कांड के रूप में देश भर में चर्चित हो गया। चंदा बाबू की माने तो कई बार उन्होंने शहाबुद्दीन से हाथ पैर जोड़े। जेल से लेकर फोन पर तक शहाबुद्दीन से बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाया लेकिन शहाबुद्दीन ने कह दिया कि उनके 2 बेटों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर बोरा में बांधकर फेंकवा दिया है। अपहृत 2 लड़कों के साथ चंदा बाबू का बड़ा लड़का राजीव रसन उर्फ राजेश भी उसी समय से लपाता था लेकिन अचानक से वह वर्ष 2015 में उपस्थित हो आया और न्यायालय में आकर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरुद्ध उसने गवाही दी और मामला अपहरण से हत्या के रूप में स्थानांतरित हो गया। अंततः तेजाब हत्याकांड की सुनवाई हुई और मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित अन्य 3 को आजीवन कारावास की सजा विशेष अदालत द्वारा दी गई। मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील हुआ। तदनुसार उच्चतम न्यायालय तक मामला गया और उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत की सजा को कन्फर्म करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहार जेल तक पहुंचा दिया।
तेजाब कांड के मुख्य गवाह राजीव रसन की भी हत्या वर्ष 2015 में अपराधियों के द्वारा कर दी गई। वह मामला न्यायालय में अभी लंबित है। चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का जंग अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि तेजाब कांड में मरे अपने बच्चों के विरुद्ध अन्य 8 अभियुक्तों के लंबित मामलों में भी उनकी गवाही हो गई थी, जो एडीजे 1 के न्यायालय में लंबित है। राजीव रोशन के हत्यारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज थी। वह मामला भी ट्रायल के स्तर पर था। यह 2 महत्वपूर्ण मामले भी उनके लड़ाई के अंग थे, किंतु इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते वह मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए थे और उम्र ने शरीर का साथ देना भी छोड़ दिया था। अंततः चंदा बाबू जीवन की जंग के आगे अपनी हार मानते हुए अंतिम विदा ले ली। उनके परिवार में मात्र एक दिव्यांग पुत्र ही शेष है, जो उनके धरोहर के रूप में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, पटना।